Welcome to my channel. First of all, a very happy Independence Day to all of you and very happy Raksha Bandhan too. So, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने में क्या डिफरेंस है. इस टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं. देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख चुके हो कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी पर झंडा फहराने में क्या अंतर है और क्या है उसकी वजह, आइए जानते हैं. तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है ध्वजारोहण और ध्वज फहराना. ठीक है, तो 15 अगस्त के दिन देश को आज़ादी मिली थी. इस दिन ब्रिटिश झंडे को उतार कर भारतीय ध्वज को ऊपर चढ़ाया गया था और फहराया गया था. ओके, झंडे को नीचे से ऊपर ले जाकर फहराने की इस प्रक्रिया को ध्वजारोहण, फ्लैग होइस्टिंग कहते हैं. इसलिए 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है, जबकि वहीं 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए उस दिन पहले से ऊपर बंधे हुए झंडे को केवल फहराया जाता है, ध्वजारोहण नहीं किया जाता. ठीक है, क्या डिफरेंस है. ध्वजारोहण यानी कि फ्लैग होइस्टिंग किया जाता है 15 अगस्त को और फ्लैग अनफर्लिंग किया जाता है 26 जनवरी को. पहला डिफरेंस आप लोगों के समझ में आ गया होगा, आई होप. चलते हैं दूसरे अंतर की ओर. ओके, अगला अंतर है प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति. तो 15 अगस्त के दिन तो ध्वजारोहण कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं, वहीं 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं. 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं. इससे पहले आज़ाद भारत का ना तो कोई संविधान था और ना ही राष्ट्रपति था. ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है लाल किला व राजपथ. ठीक है, स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन लाल किले पर किया जाता है. ओके, और जबकि 26 जनवरी का जो समारोह आयोजित होता है वो कहाँ होता है, राजपथ पे होता है. ठीक है, तीसरा डिफरेंस ये हो गया. अब हम अगला एक और डिफरेंस देखते हैं. आगे है पीएम व राष्ट्रपति का संबोधन. 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं, जबकि इसकी पूर्व संध्या पर मतलब कि 14 अगस्त की शाम को राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करते हैं. गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी का संबोधन नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट है कि समारोह में भी है परिवर्तन, मतलब कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के समारोह में भी परिवर्तन होता है. क्या है चेंजिंग है, वो चेंजिंग क्या है. 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है. दोनों दिन धूमधाम से देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी स्तर पर सार्वजनिक समारोह आयोजित किए जाते हैं. देश के अन्य हिस्सों और सभी राज्यों में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं, बावजूद इन कार्यक्रमों में कुछ आधारभूत अंतर होता है. 15 अगस्त के दिन परेड का आयोजन नहीं होता, जबकि 26 जनवरी पर सैनिक अर्धसैनिक बलों आदि की काफ़ी लंबी परेड होती है. इसमें दिलकश झांकियां और रंगारंग कार्यक्रम को भी शामिल किया जाता है. गणतंत्र दिवस समारोह के जरिए देश जल थल और नभ में अपनी सैन्य ताकत और संस्कृति की झलक प्रदर्शित करता है. नेक्स्ट है मुख्य अतिथि. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त पर किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ एज अ चीफ गेस्ट नहीं आता है, जबकि 26 जनवरी पर चीफ गेस्ट आते हैं. 26 जनवरी 2019 को कौन चीफ गेस्ट था हमारे इंडिया में, तो वो थे सिरिल रामाफोसा. ठीक है, कौन थे, सिरिल रामाफोसा प्रेसिडेंट थे कंट्री के. कौन सी कंट्री थी वो, दक्षिण अफ्रीका. ओके, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा जो है चीफ गेस्ट थे 26 जनवरी 2019 में. ओके, अब आपको बताना क्या है कमेंट बॉक्स में, ये बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही इस वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए. और एक मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, उसका भी जवाब आपको देके जाना है. और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है कि
दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल एंड करेंसी आपको कमेंट बॉक्स में बता के जानी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।